फाइनली जाके मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। सो दिस इज़ आर 2000 मॉडल होंडा सिटी टाइप 2 VTEC। मैं तुम लोग को पूरा कार का वॉक अराउंड 360 सब कुछ दिखाऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर म्यूजिक सिस्टम एग्जॉस्ट सब कुछ A to Z। ये पूरा पेंट एक DIY पेंट जॉब था जो हम लोग ने स्प्रे कैन से किया है। तो मैं तुमको एक प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े वाली बातें बोनट के अंदर ही है, वो तो सारे लड़के लोगों को मज़ा आता है एग्जॉस्ट सिस्टम। सो अभी मैं तुम लोगों को इंटीरियर दिखाता हूँ। तो हर एक फास्ट एंड फ्यूरियस एंड नीड फॉर स्पीड वो सब वाले लवर्स को पता होगी। But then looking at this car, I just feel everything was worth it, and I'm really proud of you. Thank you. Hey guys, welcome back to Los Polos Wheels. मेरा नाम है ध्रुव छाबरिया एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। फाइनली जाके मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। सो दिस इज़ आर 2000 मॉडल होंडा सिटी टाइप 2 VTEC, ठीक है, जो फुल्ली हमने मॉडिफाई करके रखा है DIY से। तो जो इतनी कूल सेक्सी कार लग रही पीछे है वो पूरी मैंने और मेरे डैड ने बनाई है। तो आज मैं एक छोटी सी छोटी एंड बड़ी से बड़ी डिटेल तुमको शेयर करूँगा कि क्या क्या मैंने खर्चा किया है, क्या क्या मैंने लगवाया है, एवरीथिंग। तो ये पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखो और तुमको कार कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट्स में बताना। ऑल्सो गाइज, ये व्लॉग के दो पार्ट्स बनेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 1 वेयर आई एम गोना रिव्यू माई कार। पार्ट 2 विल बी आई एम गोना रिवील कितना खर्चा हुआ है, कि ये हेडलाइट कितने की पड़ी, मैगविल कितने की पड़े, कितना जो भी आज मैं तुमको चीज़ें दिखाऊंगा A to Z कितना खर्चा हुआ है उसका पार्ट 2 आएगा, इसके बाद सीक्वेंस में आएगा। सो पार्ट 2 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, एंड अभी का जो सेक्सी व्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं तुम लोग को पूरा कार का वॉक अराउंड 360 सब कुछ दिखाऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर म्यूजिक सिस्टम एग्जॉस्ट सब कुछ A to Z। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। तुम लोग सामने एकदम आते हो कार के, सो यू सी अ कस्टम मेड ग्रिल, अ कस्टम नंबर प्लेट, ठीक है। तो मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो ग्रिल है हमारी ओरिजिनल टाइप 2 का ग्रिल है, लाइक तुम लोग सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर मार्केट में ये ग्रिल बिकती है 3000-4000 रुपीज़ की ग्रिल बिकती है, जो ऐसे बीच में कट है। एंड तुमको पता होगा ओरिजिनल कैसे आती है, इधर वो उसका प्लास्टिक होता है पार्ट्स। मैंने और मेरे डैड ने क्या किया, जब मैंने इसका बम्पर इसे उतारा था, जब मैंने इसको स्ट्रिप किया था पूरी कार को, तो मैंने और मेरे डैड ने ये कस्टम बनाया है ग्रिल। और कितने पैसे में बनाया है वो तुम नेक्स्ट पार्ट में देखना, मतलब लिटरली तुम खुद अपनी टाइप 2 का बना सकते हो एक कस्टम ग्रिल्स इजीली मेरा वीडियो देख के, तो मैं वो भी बना दूंगा बहुत जल्दी। तो तुम लोग देख सकते हो पहले एकदम ना नॉर्मल नंबर प्लेट था, तो मैंने एक बॉडी साइज बम्पर साइज में मैंने उसको जाके नंबर प्लेट लगाई है, बहुत छोटी एंड बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। फिर ऑब्वियसली मैंने बॉडी किट लगाई है कार में। सो ये 4-piece फाइबर बॉडी किट है जो फ्रंट में साइड्स में बैक में लगता है, और देख लो तुम लोग, एवरीथिंग इज़ ब्रांड न्यू, लाइक पूरा बनाया हुआ है। नए हेडलाइट हो गई, ग्रिल हो गया, बॉडी किट्स हो गई। फिर हम आते हैं लाइट्स पे, तो इफ़ यू गाइस कैन क्लियरली सी, ये है HJGK पर लाइट, इट इज़ 60 watts। सो बेसिकली 60-120 watts लाइट प्रोवाइड करता है ये। इसमें दो मोड्स है, एक है येलो, इस पर कवर लगता है, बेसिकली कवर निकलेगा, कवर आएगा जब जैसे फॉग या जैसे होता है ना, जिसमें हमको दिखता नहीं वाइट लाइट्स में, तो हम लोग येलो लाइट्स लगा सकते हैं, निकाल के वो वाइट भी हो जाती है। बेसिकली 2-in-1 लाइट है ये, जो मेरे सुपर में भी यही लगी और हमने होंडा सिटी में भी यही लगाया। और फिर ऑब्वियसली मैंने अपना ब्रांडिंग किया है, विच इज़ #ProjectDIY। बहुत लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये कार DIY से बनी है। ये सब तो ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, हेडलाइट कोई भी लगा सकता है, बॉडी किट कोई भी लगा सकता है, लाइट्स कोई भी लगा सकती है। मेन बात इधर आती है, ये यूनिक कलर, लाइक तुम लोग ने क्या कभी मेरे को बताओ ऐसी होंडा सिटी देखी है। ये पूरा पेंट एक DIY पेंट जॉब था जो हम लोग ने स्प्रे कैन से किया है। तो मैं तुमको एक प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने ये पूरी कार स्ट्रिप की, मैंने और मेरे डैड ने खुद इसी पार्किंग में, ठीक है, हम लोग ने स्ट्रिप किया। हम लोग इसे बम्पर घर जाके रिपेयरिंग किया, ये पूरा बम्पर टूटा हुआ था, इसके जितने लॉक्स थे टूटे हुए थे, हमने सब रिपेयर किया। और मैं पेंट जॉब की बात बताता हूँ तुम लोग को। सो इसमें सबसे पहले हम लोग ने बॉडी वर्क भी किया है, मतलब थोड़ा पुट्टी वुट्टी खुद ही मारा है हमने, DIY प्रोजेक्ट था ये। फिर हम लोग ने इसमें सबसे पहले मारा प्राइमर, फिर हमने मारा ब्लैक, फिर हमने मारा सिल्वर, फिर हमने मारा कैंडी ग्रीन, एंड टॉप पे मारा कैंडी येलो, ठीक है। तो मतलब 5 कलर
एंड उसके ऊपर सिक्स्थ कोट मारा लेकर, इतना कलर हमने सब कैन से पेंट किया है, एंड फिर जाके ये एक यूनिक मेटालिक येलो टाइप का कुछ एक एकदम ऐसा शेड आया कि जो तुमने कभी एक होंडा सिटी पे नहीं देखा होगा। दिन में ये कलर अलग लगता है, रात में ये कलर अलग लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ किया है मैंने, तुमको बेसिक तुमको बता दिया पेंट मेरा कैसा था। और आई नो बहुत लोग फिर से बोलेंगे अरे ध्रुव भाई पेट्रोल गिरेगा, जल जाएगा, स्प्रे कैंस बेसिकली इतने अच्छे नहीं होते। सो दो टाइप के स्प्रे कैंस होते हैं, 99.9% लोग को ये लगता है जो स्प्रे कैंस हमको लोकल मार्केट में मिलता है, हार्डवेयर में मिलता है, वो एकदम बेसिक चीप प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मतलब आई वोंट से मैं, क्योंकि पहले मैं भी वही यूज़ करता था, देन आई केम अक्रॉस अ ब्रांड जो बेसिकली एक जैपनीज ब्रांड है एंड वो इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं उसके कैंस। बट अभी तुम बोलोगे एक कैन है, ठीक है, बेसिक डिसेंट प्राइस है, बट आई रिक्वायर्ड 95 कैंस, ठीक है। आई हैड ऑर्डर 95 कैंस फॉर दिस कार विच इज़ पेट्रोल रेजिस्टेंट एंड इट इज़ एन ऑटोमोटिव पेंट। तो जो तुम ये जो पेंट देख रहे हो, तुमको लगेगा भी नहीं ये मैंने कैन से किया है। क्या तुम बोल सकते हो ये कैन से किया है? बिल्कुल भी नहीं। कैन प्रे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक प्रेप, तो वी हैड टू सैंड द कार, वो बहुत कुछ होता है। तुम कितना भी एक्सपेंसिव पेंट लो और तुम मारो, अगर तुमने प्रेप अच्छा नहीं किया है ना, वो पेंट भी निकल जाएगा। और अगर प्रेप अच्छा किया, पेंट भी लोकल यूज़ किया है ना, पेट्रोल मत गिराओ, वो बहुत साल चलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने तुमको एक्सटीरियर थोड़ा फ्रंट का बताया, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरे हुड के अंदर क्या है, मेरे बोनेट के अंदर मेरा इंजन कैसा दिखता है, क्या क्या मैंने लगाया तुमको दिखाता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े वाली बातें बोनेट के अंदर ही है। नाउ द मेन गेम हियर इज, तुम दूर से एक सीन देख सकते हो कि द एक्सटीरियर इज ग्रीन बट द इंटीरियर इज ब्लैक। एग्जैक्टली, दिस कार इज डुअल टोन पेंटेड। लाइक कोई अपने DIY में इतना यूनिक हमने सोचा है कि आई ऑलवेज लव्ड डुअल टोन, अंदर ब्लैक रेड, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक येलो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। पूरा इंजन बे इज स्प्रे कैन पेंटेड ब्लैक। ये हमने कोई इंजन नहीं उतारी है, हमने लिटरली ऐसे ही पेंट करा, और फिनिशिंग तुम देख सकते हो परफेक्ट आई है। कार में ना तीन टाइप के ब्लैक यूज़ किए, बोनेट में स्पार्कलिंग ब्लैक यूज़ किया, बिकॉज मैं अगर तुमको क्लोजअप दिखाऊंगा तो तुम देख सकते हो सिल्वर दिखेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिल्वर स्पार्कल्स। इधर मैंने मारा मैट ब्लैक, बिकॉज वो मैट ही अच्छा लगेगा, ग्लॉसी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो तुम एकदम मैट ब्लैक है, ठीक है। और जो डोर्स के अंदर सब है वो मैंने मारा है ग्लॉसी। तो अभी आई विल शो यू गाइस द लेजेंडरी इंजन। दिस इज द ओरिजिनल होंडा सिटी टाइप 2 VTEC, ये उसका VTEC इंजन है। यू गाइस कैन सी द हेड इज पेंटेड सिमिलर एज द एक्सटीरियर पेंट। जितने रबर सील्स है ओरिजिनल होंडा का, मैंने डेल्को का लेके, टैपेट का लेके, सम्प का लेके, एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू। तो वो मैंने एडिशनल हमने खर्चा किया है इस पर। फिर तुम लोग देख सकते हो इसमें लगा हुआ है एयर हॉर्न, जो मतलब एयर हॉर्न की एक स्टोरी है, मैं तुमको बताता हूँ कि ये एयर हॉर्न है मेरे डैड का, ये मैंने अभी जाके ख़रीदा नहीं है, अभी सब चाइनीज़ ब्रांड आती है। सो दिस इज़ अ 3-pipe म्यूजिकल एयर हॉर्न जो मेरे डैड का है, ही हैड इंस्टॉल्ड इन हिज 90s की सुमो पे, एंड फिर उन्होंने वो सूमो से निकाला जब उन्होंने वो सेल की और अपने सेंट्रो पे लगाया था, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ साल पहले जाके वो सेंट्रो को स्क्रैप कर दिया। सो ये हॉर्न घर में पड़ा था, सो आई वाज लाइक वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एक अर्ली 2000s की कार चला रहा हूँ। सो आई गॉट दिस इंस्टॉल्ड, मैंने और मेरे डैड ने किया फिटिंग, ये सब वायरिंग मैंने इलेक्ट्रिशियन से कराई है, तो मैं इसका आवाज़ भी तुमको सुनाऊंगा। तो देखो नई बैटरी डाली है, वो सब तो ठीक है, तो इंजन एरिया में मेरा इतना कुछ है। फिर सबसे फन जो सारे लड़के लोगों को मज़ा आता है, एग्जॉस्ट सिस्टम तुम लोग देख सकते हो, ये जो 4 pipes है यूजुअली इसमें होंडा का आता है, जिसमें नीचे कैटलिटिक कन्वर्टर होता है, तुमने इसका व्लॉग जाके देख लो, मैंने बनाया हुआ है। रेजोनेटर, मफलर्स सब डिलीट होके पूरा मैं तुमको आवाज़ सुनाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम योर, माय कार्स नेम ड्रैगन, मेरी गाड़ी का नाम है ड्रैगन, तो मैंने वो विनाइल में करवाया है। आई हैड सम अदर प्लान्स एज वेल ये स्टिकर को लेके, बट क्लियरली वो सपोर्ट नहीं मिलता है हम लोग को
मार्केट से कि मेरे को जो चीज़ चाहिए, मेरे को ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मेरे को वो ना सुनते ही नहीं है। फिलहाल मैंने मेरी गाड़ी का नाम लिखा है, डेफिनेटली गाड़ी में और वर्क ऑन करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो मिसिंग है अभी भी, जो मेरे को फिलहाल जो कराना था वो हुआ नहीं है। फिलहाल जो है मैं तुमको दिखाता हूँ, सो देयर इज दिस नेम एंड ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल का नाम एंड इंस्टाग्राम का लोगो। नाउ इफ़ वी कम ऑब्वियसली साइड में, तो द कार डजंट इवन लुक द वे इट यूज टू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टायर्स। सो बेसिकली दीज आर 14-inch Onyx मैग व्हील। ओके, तो जिसका पहले लुक एकदम ना मैट था, डायमंड फिनिश में था। सो वॉट माई फादर एंड आई डिड वॉज वी रीपेंटेड दिस इन टू स्पार्कलिंग सिल्वर। ठीक है, वही स्पार्कलिंग सिल्वर जो हमने कार पर भी मारा था, फिर हमने अलग कोट्स दिए, वो हमने इस पर स्पार्कलिंग सिल्वर मारा है। तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। फिर तुम लोग अगर अटेंशन टू डिटेल दो तो हमने कैलिपर्स को भी पेंट मारा है द सेम ग्रीन जो हमने एक्सटीरियर को और इंजन को मारा है। नाउ व्हाट इज डीएमसी? जब मैगविल का ब्रांड Onyx है तो डीएमसी क्या है? डीएमसी इज ध्रुव मनीष छाबरिया, दैट्स माय नेम। तो तुम देख सकते हो कैसे होलोग्राफिक में मैंने नाम लिखवाया जो चमक रहा है हर एक एंगल पे। मैगविल इस सब में ये हो गया। देन द टायर्स, द कार हैड ओरिजिनली व्हेन आई बॉट द कार 2 years बैक, द कार हैड 165/55 R14 टायर्स। टायर जो मैंने डाला है इट्स योकोहामा अर्थ 185/65 R14। ठीक है, तो टायर की डिटेल्स है, ब्रांड न्यू टायर्स है इसमें, चारों योकोहामा है। एंड मेरी सारी कार्स में योकोहामा ही हम लोग डालते हैं बिकॉज दैट्स द बेस्ट ब्रांड यू कैन एवर गेट। ऑब्वियसली यू गाइज कैन सी स्कर्टिंग्स जो मैंने पहले ही बताया, मैंने चारों साइड स्कर्ट्स डाले। सो आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि जब मैंने स्टार्ट में कार ली थी होंडा सिटी, जब मैं अबैंडन्ड स्टेट में लिया था जिसको नहीं मालूम, सो आई हैड सीन अ फ्यू होंडा सिटीज जिनके कार में ऐसा लगा हुआ था, एंड आई वॉज लाइक वॉट इज़ दिस, बिकॉज आई वॉज 15 years old बैक देन एंड आई एम 17, 2 years हो गया है कार को। सो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि मेरे को कहाँ से मिलेगा फाइबर के बॉडी किट्स। देन मैं इंस्टाग्राम पर गया एंड आई फाउंड अ गाय इन बॉम्बे जो ये सब बनाता है, एंड मैं उसे जाके ख़रीदा। तुम डेफिनेटली देखते हो द कार के ग्लासेस आर टिंटेड। सो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने जाके मेरी कोई कार टिंट करवाई है, बिकॉज जो मैंने हमारी पर्पल होंडा सिटी ली थी उसमें ऑलरेडी टिंटेड ग्लासेस थे। एंड जब मेरे डैड यंग थे मेरे एज के, वो अपनी टाटा सुमो में ना डुअल फिल्म लगवाई थी, मतलब ऐसे क्रोम फिर ब्लैक ऐसा वाला फिल्म लगवाया था। सो हमारे जीन्स में ये छाबरियास के कि कार मॉडिफिकेशंस। अब मैं 17 इयर्स का और ये हमने खुद तैयार किया है, मेरी फर्स्ट कार हुई है प्रोजेक्ट कार टेक्निकली। ठीक है, तो मैं ये क्या फिल्म कितनी टिंट परसेंट के लगे बताता हूँ। और यू गाइस सी ये क्रोम थिंग, ये जो क्रोम पट्टी है इसकी ओरिजिनल वाली पूरी ख़राब हो गई थी, तो वो हमने निकाला। एंड लोकली जो आफ्टर मार्केट क्रोम बिडिंग्स होती है उसमें 3M का टेप डाल के हम लोग ने ये चिपका दिया है। द फ्रंट ग्लासेस आर 30% गरवरे की फिल्म्स लगी है। ठीक है, तो ये हो गई 30, और साइड्स में हम लोग ने कराई है 25 कुछ करा है। तो जेट ब्लैक इज 5%, तो हमने जेट ब्लैक नहीं कराई है बिकॉज जब मैं कांच तुम देख सकते हो इसमें इनसाइड में दिखता है, ठीक है, और फ्रंट से भी दिखता है। बट एनीवेज, क्योंकि 5% टेंट्स बहुत ज़्यादा इलीगल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लीगल है, इससे भी मेरे को चालान पड़ गया है। सो दिस इज़ 30, दिस इज़ 20। इंटीरियर मैं तुमको दिखाऊंगा वंस आई कंप्लीट द बैक पार्ट ऑल्सो, फिर तुमको एग्जॉस्ट सिस्टम कितने बटन्स लगे हैं अंदर, इंटीरियर स्टेयरिंग व्हील सब कुछ दिखाऊंगा, पेशेंस रखो पूरा देखना। ठीक है, मेन बात तो मैंने ऐसे किया है कि आई नेवर लाइक मड फ्लैप्स, इवन ऑन माई साइकिल आई यूज टू रिमूव एंड थ्रो देम ऑफ। तो आई स्टार्टेड विद माई साइकिल कि मैं उसको अपना स्क्रू ड्राइवर लेके मडगार्ड निकाल के फेंक दिया। सेम आई डिड विद माई कार, इधर मडफ्लैप्स लगे हुए थे जो नीचे नीचे तक आते थे, वो पूरे मैंने मडफ्लैप्स निकाल के शॉर्टर मडफ्लैप्स लगाए कि तू पीछे से अगर देखो तुम लोग, तो अगर तुम पीछे से देखे लो एंगल लो तो तुमको फुल टायर्स दिखेंगे, पूरे टायर्स दिख रहे हैं। तो अभी इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बारिश में जैसे ही मेरा टायर गीला होता है दिस ऑल गोज बैड। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन मेरे को उसको क्लीन अप करना पड़ता है। लुक्स चाहिए तो कुछ तो बेयर करना पड़ेगा। सेम विद द फ्रंट, मडफ्लैप्स ही नहीं है इधर। ठीक है, देखो तुम देख सकते हो क्लियरली मैंने पूरे मडफ्लैप्स निकाल के साइड में रखा है,
क्यों मैंने फेंका नहीं, बिकॉज वो ओरिजिनल होंडा के थे एंड इसकी ओरिजिनल चीज़ें जो भी मैंने निकाली, जैसे कि इसमें पहले एनी की वी टेक ओरिजिनल व्हील्स थे, वो मैंने निकाल के आफ्टर मार्केट डाला है जस्ट फॉर द लुक्स, क्योंकि मॉडिफाइड बाहर से दिख रहे तो व्हील्स भी मॉडिफाइड होने चाहिए, बट द ओरिजिनल व्हील्स आर एट माई हाउस, सेफ है, कभी भी चाहिए मैं वापस लगा के यू नो वी कैन गो बैक टू स्टॉक। तो मैंने तुम लोग को जब हेडलाइट्स दिखाई, अब मैं तुमको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। पार्किंग बल्ब्स दिख रहा है तुमको, दो वाइट छोटे छोटे ऑन हुए हैं, दैट इज सेम विद द बिहाइंड टेल लाइट में दो रेड बल्ब ऑन होते हैं। दिस इज माई मेन बल्ब, ठीक है, ये मेरी हेडलाइट्स है, दिस इज लो बीम, दिस इज हाई बीम, ठीक है, दिस इज लो बीम, दिस इज हाई बीम, ठीक है। अभी ये हो गए मेरी हेडलाइट्स, फिर मेन आता है हमारा एच जी जे का जो लाइट है, विच इज़ दिस वन, ओके। सो यू कैन सी जब मैं एच जी जे की लाइट ऑन करता हूँ और एक पार्किंग बल्ब ऑन करता हूँ तो साइड से कैसा लुक आता है। मैंने लाइट्स में और एक चीज़ लगाई है, विच इज़ एन अंडर बॉडी लाइट, जो हर एक फास्ट एंड फ्यूरियस एंड नीड फॉर स्पीड वो सब वाले लवर्स को पता होगी। सो मेरी अंडर बॉडी लाइट्स भी चार साइड की है, फ्रंट साइड्स एंड बैक, वो भी दिखा देता हूँ। बट अभी थोड़ा धूप है, धूप नहीं दिन नहीं है, तो मैं इधर एक नाइट शॉट डाल दूंगा कि तुम देखो कि अंडर बॉडी लाइट कैसे चालू होती है। दिन में भी दिखता है ऑब्वियसली। मैंने तुमको फ्रंट साइड्स दिखाया, नाउ इट्स टाइम फॉर बैक एंड ये वाला साइड। हम लोग ने ये पूरे कार का ये जो एरिया होता है पूरा अंदर, जो अभी अनफॉर्चुनेटली पूरा मिट्टी से भरा है, बिकॉज बारिश के टाइम में गाड़ी हमने चलाई और पूरा इट वॉज डर्टी, नीचे बहुत गंदा है, उसको मेरे को प्रेशर वाटर मार के साफ करना पड़ेगा। वो हम लोग ने अंडर बॉडी रबर्स फिर कैन में आता है, तो पूरा अंदर का वो नीचे और डिक्की के नीचे किया है बेसिकली। उससे क्या होगा, वो रबर कोटिंग हो जाएगा एंड पानी उस पर स्टे करके रस्ट नहीं होगा। तो वो भी एडिशनल मैंने एक किया है इस पे, बट वो अभी दिख नहीं रहा है, बट मैंने क्लिप लगा दूंगा अभी, तो वो देख लिया तुमने। क्यों, बेसिकली उधर बहुत ज्यादा रस्टिंग होता है कार में, हमारी पूरी कार यहाँ से सड़ी हुई थी, तो मैंने जाके उसका टिन वर्क कराया था। फिर वही बैक पार्ट में आते हो, सो दिस इज माई ओरिजिनल वीटेक स्पॉइलर, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे आफ्टर मार्केट स्पॉयलर्स भी आते हैं जो बहुत गंदे लगते हैं, बट दिस इज़ होंडा स्टैनली ओरिजिनल, सो दिस इज़ माय ओरिजिनल स्पॉयलर। देन ऑब्वियसली देयर इज दिस बैच कॉल्ड वीटेक एंड माय होंडा लोगो कवर्ड इन मेटालिक ब्लैक। पीछे से भी ऑब्वियसली बॉडी किट लगी हुई है, टिंट्स लगे हुए हैं एंड मेरा लॉस पोलोस का ये है। फिर इधर आता है बात एग्जॉस्ट सिस्टम के टिप का, सो यू गाइस कैन सी ये एक कस्टम DIY एंड कैन है जो हम लोग ने लगाया है, जो ऐसे कुछ दिख रहा है। द कार नेवर हैड पार्किंग सेंसर्स, सो आई गॉट दिस पार्किंग सेंसर्स इंस्टॉल्ड। यू गाइस कैन सी जैसे मैं रिवर्स गियर डालता हूँ पार्किंग सेंसर्स ऑन हो जाते हैं। बार बार से मैंने दिखा दिया। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है डिक्की के अंदर क्या है, म्यूजिक सिस्टम है बेसिकली। तो तुमको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या एड ऑन्स किए। दिस इज़ माई म्यूजिक सिस्टम जो मेरे डिक्की में, डिक्की भी अंदर से मैंने ब्लैक किया है बाय द वे। सो दिस इज़ माई सब वूफर, ये कुछ 1500-2000 वॉट का सब वूफर है, अर्थक्विक ब्रांड का। तो ये मेरा सब वूफर है, ये मेरे दो स्पीकर्स कम सब वूफर है ये, ठीक है। तो मेरे डिक्की में एकदम बहुत क्लीन डिक्की है, तुम देख सकते हो ये जो मैटिंग है, होंडा सिटी में कभी ये सब नहीं आया, तो आई गॉट इट कस्टमाइज्ड। इसमें हार्ड कार्डबोर्ड का हिसाब से कारपेट डाल के मैंने पूरी डिक्की कस्टमाइज की है। फिर वही साइड्स में ये होंडा ओरिजिनल, जो गाड़ी का कुछ ख़राब होता है तो हम लगाते हैं ना वो ट्रायंगल, एंड मेरी होंडा ओरिजिनल का फर्स्ट एड किट जो सब एक्सपायर हो चुका है, बस हमने लुक के लिए रखा है, ठीक है। एम्पलीफायर है पीछे, तुम देख सकते हो, आई मिस्ड, सो देयर इज एम्पलीफायर देयर, उसको मैंने बोल्ट पे स्क्रूज पे ऊपर अटका दिया है। दीज आर माई स्पीकर्स जो मेरे इस पीछे लगाए, मैं अंदर से भी दिखाऊंगा तुमको। ये एम्पलीफायर, दो स्पीकर कम वूफर और एक मेन वूफर जो मेरी पूरी कार को हिलाता है जब मैं ऐसा फाड़ फाड़ म्यूजिक बजाता हूँ, ठीक है। देन वही येलो लाइट्स लगी हुई थी पहले, तो आई गॉट दीज इंस्टॉल्ड। दो ब्रांड न्यू टेल लाइट्स डाली है मैंने पीछे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्या क्या इसमें खर्चा किया है, क्या क्या मैंने लगाया है,
सो वन मोर थिंग, तुमको छोटा लगेगा बट ये चारों डोर हैंडल्स मैंने ब्रांड न्यू डाला है. सब चीज़ें ना बहुत छोटी लगती है कि हाँ ठीक है हैंडल्स डाला है, बट जब तुम बजट बनाते हो, सो इफ़ यू गाइस सी हैंडल्स न्यू, हेडलाइट्स न्यू, टेल लाइट्स न्यू, एवरीथिंग इज़ न्यू. इवन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस समथिंग कि इसके चारों सस्पेंशन मैंने नए डाले हैं, सामने के दो लोअर आर्म्स मैंने नए डाले हैं, गाड़ी के जितने सस्पेंशन बुशिंग्स होते हैं सब नए डाले हैं क्योंकि इसका सब ख़राब था. इंजन में बात करें तो ब्रांड न्यू फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल रन कर रही है कार, और इंजन फ्लशिंग भी हो चुका है इसका, उसमें भी मैंने व्लॉग बनाया था. तो फुल टेस्टफुली मॉडिफाइड बोल सकते हो, एंड द कार इज़ मेंटेन्ड. कार में न्यू फ्यूल पंप भी लगाया है मैंने, न्यू फ्यूल फिल्टर्स भी लगाए हैं मैंने, गाड़ी के सारे वैक्यूम लाइंस नहीं हैं, मतलब यू नेम इट. मतलब मैं अभी याद कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करा है, बिकॉज मैंने बहुत कुछ करा दिया है. इसका वाइपर मोटर मैंने नया डाला है, मैंने वाइपर ब्लेड्स नए डाले हैं. अभी ऐसे काउंट करने जाऊँगा तो पूरी लिस्ट खड़ी हो जाएगी. सो मैं तुमको बड़ा बड़ा चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज इफ़ आई गो इन द डिटेल मैंने बहुत कुछ डाला है इसमें. हाँ, मैं तुमको फाइनली इंटीरियर दिखाता हूँ जो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ किया है. सो अभी मैं तुम लोगों को इंटीरियर दिखाता हूँ. सबसे पहले तो हम लोग कांच रोल डाउन करेंगे, बिकॉज इतने टिंटेड ग्लासेस से अंदर कुछ दिखता है नहीं. सबसे पहले देखो तुम लोग, मैं कांच रोल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना. यू सी इसमें कितना फ़र्क है और इसमें कितना फ़र्क है. सो हम लोग दोनों फ्रंट के रोल डाउन करते हैं, बिकॉज फिर अंदर धूप आएगी, और पीछे की भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, ठीक है. एंड अब मैं तुमको दिखाता हूँ फाइनली मेरा इंटीरियर. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमने ओपन किया डोर को, तो तुमको डोर से स्टार्ट करते हैं. सो ये जो तुमको इतना ब्यूटीफुल बर्फी डिज़ाइन में तुमको कपड़ा दिख रहा है, तो इसमें पहले ओरिजिनल जो वीटेक में क्लॉथ आता था वो था, एंड ओवर द पीरियड वो डर्टी गंदा हो गया था. सो हमने ना पूरी कार बना दी, तो आई वॉज लाइक पापा हम इसका क्या करें. सो हमने बोला कि ये तो वो इंटीरियर वाले बनाते हैं ना पूरा, हमने नहीं हम खुद करेंगे. सो वॉट वी डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने ये पूरा डोर पैड खोला, और ये चीज़ निकलता है पीछे दो तीन स्क्रू से. एंड हम लोग को हाई क्वालिटी कपड़ा चाहिए था, वो लोकल कपड़े नहीं चाहिए थे. तो वॉट वी डिड, हम लोग अच्छे वाले जो सोफ़ा बनाते हैं एंड वो सब बनाते हैं ना हैवी पर्दे, उनके पास गए एंड अच्छी क्वालिटी का ये कपड़ा लिया हमने. इट वॉज अब प्राइस नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो प्राइस पार्ट टू में आएगा. सो यस, सो दिस इज़ वॉट वी डिड. देन दिस इज़ माई ओरिजिनल होंडा स्कफ प्लेटिंग, जो मेरी गाड़ी के साथ ही ओरिजिनली आया था. तो वो मैंने बिल्कुल भी, आई कुड डेफिनेटली बाय अ न्यूअर वन जिसमें से लाइट वेट जलती है, बट आई वॉन्टेड समथिंग जो मेरी कार का ओरिजिनल हो, बिकॉज ये सब मैंने चेंज कर दिया है, तो ओरिजिनल मैंने रखा. अच्छा एक और चीज़, द ओरिजिनल कपड़ा है रिमूव्ड, वो मैंने संभाल के रखा है, बिकॉज मेरे को इसकी चीज़ें कभी काम नहीं आने वाली, कभी नहीं लगाऊंगा, बट कभी अगर लगाना हो तो हम उसको फिर से चिपका देंगे इसके ऊपर, ये निकाल के ऑब्वियसली. सो आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू गो बैक, बिकॉज दिस बिल्ट इज़ समथिंग यूनिक व्हाट मी एंड माय डैड डिड. और मैं कभी भी 40-50 साल का हो जाऊंगा, ये कार हमेशा मेमोरी के लिए सेम लगनी चाहिए, कि मैं कभी भी इसको देखूँ हर एक चीज़ पर मुझे याद आता है कि मैं और मेरे डैड ने क्या क्या काम किया है. सो वो इमोशनल वैल्यूज़ के लिए ये कार हमेशा मैं ऐसे ही रखूँगा, बट कभी भी अगर मुझे कुछ लुक चेंज करना है तो आई हैव ऑल द ओरिजिनल थिंग्स सेफ. अभी हम लोग अंदर घुसते हैं, तो इसकी ओरिजिनल मैट्स हटा के मैंने ये मैट डाली जस्ट फॉर द रेंज, बिकॉज रेंज में भाई मैट बहुत ख़राब हो जाती है. तो ये एक टेम्प्ररी मैट है, ये मैं चेंज करके ऑब्वियसली ब्लैक कलर का लगवाऊंगा टू मैच द इंटीरियर. तो मैट्स का तो कोई कुछ बोलना ही मत मेरे को. स्पीकर्स का मैं बताऊंगा, पहले तुम स्टीयरिंग ये सब देख लो. तो ये है मेरा मोमो का स्टीयरिंग, मैं तुमको बैठ के दिखाता हूँ फील कैसे आता है. तो ऐसा कुछ इसका लुक है, बहुत प्यारा है, मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है ये कार का, जिसपे इधर लिखा हुआ है ड्रिफ्टिंग, और डेफिनेटली अ मोमो का ब्रांडिंग, एंड इधर भी मोमो लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये ओरिजिनल व्हील निकाल के मैंने आफ्टर मार्केट मोमो का स्टीयरिंग व्हील लगाया है विथ म्यूगन का गियर स्टिक, ठीक है. तो क्लच दबा के देखो, हम लोग ऐसे जो कार को चलाते हैं, ये हो गया स्टीयरिंग, ये हो गया गियर लीवर. तो यहाँ पे है मेरे सारे आफ्टर मार्केट चीज़ों की, जो इनमें से सबसे पहले वाला है, दिस इज़ फॉर द HGJ का लाइट, दिस इज़ फॉर अंडर बॉडी, एंड दिस इज़ फॉर माई एयर हॉर्न. सो जब मैं ऐसे में हॉर्न मारता हूँ, ये देखो, ये है जर्मन हॉर्न फ्रॉम द कार ऑडी,
ठीक है, तो ऑडी कार का इसमें हॉर्न लगाया है मैंने, एंड जब हम सेकंड स्विच करते हैं इसमें चलता है एयर हॉर्न। तो ये दो हॉर्न है, जब वापस बैक किया वी आर बैक टू स्टॉक। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हमारे म्यूजिक सिस्टम पे। मैंने ये सोनी का हेड यूनिट लगवाया है, बहुत बहुत बाप म्यूजिक सिस्टम है, जैसे तुम लोग देख सकते हैं, मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा। फिर इधर म्यूजिक सिस्टम हो गया, फिर इधर मैंने दो ट्विटर्स लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत छन 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 आवाज़ बहुत अच्छा आता है। फिर इस डोर्स के अंदर है मेरे दूसरे स्पीकर्स जो बहुत लाउड बजते हैं, शायद ये रॉकफोर्ड या कुछ ब्रांड है इसमें। एंड फिर पीछे में है मेरे दो और स्पीकर्स जो और अच्छे ब्रांड के हैं, अभी फिलहाल तो याद नहीं, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो टेक्निकली 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, 1 हेड यूनिट, 2 पीछे सब वूफर प्लस स्पीकर डिक्की में और 1 सब वूफर। तो इतना कुछ मेरे म्यूजिक सिस्टम में लगा हुआ है, मैं अभी तुमको चेकिंग करवाता हूँ बजा के। और ये मेरा पार्किंग सेंसर का चीज़ है, ये ऑब्वियसली मदर मैरी है, जिसको मालूम होगा मैं, मेरी मॉम क्रिश्चियन है एंड डैड सिंधी है, तो मदर मैरी ऑलवेज मेरी सारे कार्स में मदर मैरी लगी हुई है। इफ़ यू कम हियर, तो दिस इज़ द ओरिजिनल वीटेक का मीटर, देख सकते हो तुम लोग, 7,500 तक जाता है गाड़ी ये। और द कार इज़ ड्रिवन 1,72,831। मैंने जब बाई किया था तब कार थी 1,71,072 है, बेसिकली मैंने 2,500 किलोमीटर 2 साल में चलाया है कार को, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चला मुझे पता है। ये है मेरी ओरिजिनल वीटेक की, मेरी होंडा सिटी का ओरिजिनल की है ये, एंड मेरे नो प्लान्स टू चेंज द की, बिकॉज बहुत ओजी लगता है वो, है ना, वही नॉर्मल एश ट्रे। सिगरेट पोर्ट मैंने नया डाला था बिकॉज मेरा वाला ख़राब हो गया था, एंड यहाँ पे मेरे वही चीज़ें पड़ी रहती है। इंटीरियर में तो इतना ही कुछ है। फिर मैंने ये एक बड़ा वाला लगाया था बिकॉज पीछे बिल्कुल दिखता नहीं ओरिजिनल वाले में। ओके, सून आई हैव सम प्लान्स टू ब्लैकआउट ऑल द इंटीरियर। ये जो पैनल्स है बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टॉक है, तो मैं इसको ब्लैकआउट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ओरिजिनल होंडा सिटी का 2000 का लेकर आ गया था मैं, ये भी लगाई है मैंने। मैंने तुम लोग को जितना मेरे को याद था, जितना मैं कर सकता था, मैंने बताया मैंने कितना कुछ लगवाया है। फाइनली मैं तुमको सुनाता हूँ मेरी कार का आवाज़, एयर हॉर्न का आवाज़, जो मैंने जर्मन हॉर्न लगाया उसका आवाज़, क्लियरली बोनेट खोल के, और म्यूजिक सिस्टम, ये 4 चीज़ सुनाता हूँ। ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम, मतलब बीच में कुछ भी कचरा नहीं है, मतलब रेजोनेटर ये सब नहीं है। दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हेडर्स, सेंटर पैड पूरा स्ट्रेट पाइप है और एंड कैन है पीछे। ये हमारा जर्मन हॉर्न है, ये हमारा प्रेशर हॉर्न है, एक इटालियन ओरिजिनल इटालियन ब्रांड का हॉर्न मेरे डैड ने 1990s में ख़रीदा था फ्रॉम अ गाय फ्रॉम बॉम्बे। सब बॉम्बे में ये सब जेम्स मिलते हैं हमको, एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग, नॉट इवन वंस रिपेयर्ड। अपनी पार्किंग से कभी भी कार निकलती है ना, लॉस पोलोस निकल रहा है ऐसा मालूम पड़ता है, ऑल द स्मॉल किड्स रन। और ये भैया आई बार रेव कर दो ना। अभी म्यूजिक टेस्टिंग, तुमको म्यूजिक सुनाता हूँ कि कितना बाप हम लोग ने म्यूजिक सिस्टम इसमें बिठाया है। सबसे पहले हम लोग कांच को रोल अप करके बजाएंगे कि बाहर कैसे सुनाई देता है इवन दो सब बंद है, एंड फिर मैं कांच रोल डाउन करूंगा एंड बूफर भी दिखाऊंगा कैसे है। तो नाउ वी आर गोना टर्न ऑन द म्यूजिक, एंड अब तुम देखो सारे कांच बंद है, ठीक है, एंड अभी कितना बाहर आवाज़ आता है वो सुनो। ठीक है, म्यूजिक स्टार्ट हुआ है अभी। रिव्यू फ्रॉम माय सिस्टर, ऑनेस्ट बोलना, ऐसे नहीं क्योंकि मेरी कार है। अच्छा, ऑनेस्टली
कैसा है म्यूजिक सिस्टम इस कार का? I mean, I like it very much. I was literally vibing when you started like recording me. So. चलो. मतलब अच्छा, everything is good, all good. Yeah, I love it. सब perfect एकदम. Yes. So that was my review on my Dragon. मतलब हम लोग बॉम्बे में कैसे ऐसी गाड़ी को क्या बोलेंगे? बाप. बाप. फाड़. फाड़ दिख रही है. I really appreciate the fact that my dad and my brother they've like missed lunch and dinner and plans and everything to build this and back then I used to feel like क्या है मतलब why do you just keep being like you know गाड़ी का काम है गाड़ी का काम है and just keep cancelling my weekend plans I mean but then looking at this car I just feel everything was worth it and I'm really proud of you thank you तो हाँ अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को like comment share subscribe कर देना bell icon दबा दो मेरे पास अभी और 7 cars है review करने को RX मेरी दूसरी VTEC मेरी स्कॉडा बहुत कुछ है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल कॉमेंट डाउन कि कैसे लगा तुमको वीडियो दिस इज़ द पार्ट वन वापस बोल रहा हूँ पार्ट टू के लिए वेट करना जिसमें मैं टोटल कॉस्ट बताऊँगा तुमको और तुम लोग की भी फट जाएगी मेरे भी फट जाएगी क्यों इतना खर्चा हो गया हाँ भाई इतना खर्चा हो गया तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए बाय बाय